हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के सेशन में। सो आज टोटल हम पांच टॉपिक पे बात करेंगे और इन टॉपिकों को आप करंट अफेयर से जोड़कर देख सकते हैं। सो टॉपिक कौन कौन से हैं, सागर परिक्रमा क्या है, समक्का और सरक्का का महत्व क्या है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्यों चर्चा में बना हुआ है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, और लास्ट टॉपिक है बागना को स्थायी रूप से महाराष्ट्र ने मंगाने का एमयू साइन किया है। सो किसके द्वारा, किनके बीच में हुआ है, क्या इसकी उपयोगिता है। सो एवरीबॉडी, टोटल ये पांच टॉपिक हैं। अगर इन पांच टॉपिकों को आप पहले से रीड कर चुके हैं, एनालिसिस कर चुके हैं और नोट्स बना चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, प्लीज़ आप स्किप कर देना। अदरवाइज जो एग्जाम के डिमांड होती है, जो चल रही है आज के समय में, उसके हिसाब से सारे चीज़ों को संग्रहित किया गया है, वन बाय वन करके इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। सो पहला टॉपिक है सागर परिक्रमा क्या है। देखिए, जो सागर परिक्रमा है, ये सागर परिक्रमा का 2023 में ये नौवां संस्करण है, नौवां चरण है, ठीक है, 7 अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है। तो ये डेट आप याद रखना, हालांकि इसका उपयोगिता उतना डेट का नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कि जो सागर परिक्रमा है 2023 का, इसका कौन सा चरण है, तो यह नौवां चरण है, ये लाइन आप नोट डाउन कर लेना। उद्देश्य क्या है, जो मछुआरे और अन्य हितधारक होते हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए यह योजना बनाई गई है और ये चलाया जा रहा है। जैसे जो मछुआरे हैं, स्पेशली आप बस इतना याद रखना कि जो मछुआरे होते हैं, जो कि समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु या अपने जीवन यापन के लिए जो भी वो कार्य करते हैं, ठीक है, सो मछुआरों के आर्थिक आर्थिक स्थिति में सुधार, साथ ही उनका जो सिक्योरिटीज है, सुरक्षा है, सुरक्षा संबंधी यह योजना है, परियोजना है सागर परिक्रमा, नवा चरण है। तमिलनाडु पुडुचेरी के तटीय जिलों को कवर करेगा यह, तो एग्जाम में यहां से भी आ सकता है कि जो ये नौवां चरण है, किन क्षेत्रों से किन क्षेत्रों को ये कवर करेगा, तो तमिलनाडु से पुडुचेरी के बीच के जो क्षेत्र होंगे उसको कवर करेगा, उनके बीच बीच में क्या आएगा। सो पुडुचेरी, तंजावुर, नागपट्टनम, मयिलादुथुराई, कुडालोर, विलुपुरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई और कराईकल, इन क्षेत्रों को जो कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच के मध्य के ये जगहें हैं, स्पेशली इनको यह कवर करेगा। सो आप इनको याद, पहला तो देखिए तमिलनाडु आप याद रख लीजिए, पुडुचेरी और चेन्नई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन इन जगहों को आप याद कर लीजिए, बाकी आप जो भी है, जो भी नाम है, इनको आप याद रख सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और चेन्नई, इनको आप याद रखिए। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से भी पूछे कि जो सागर परिक्रमा है वह किन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, और वहां पर आपको चार ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दे दे, उसमें से चेन्नई ऑप्शन दे दे, पुडुचेरी ऑप्शन दे दे और तमिलनाडु दे दे, ठीक है, या कराईकल दे दे, तो इस हिसाब से आपको ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। केंद्रीय योजनाओं के प्रगति के समीक्षा किया जाएगा। सो पीएम मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर डेवलपमेंट फंड, किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो प्रमाण पत्र और स्वीकृतियां हैं वह भी वितरित की जाएंगे, किनको की जाएगी, जो इससे जुड़े, इस योजनाओं से जुड़े जो मछुआरे हैं या अन्य जो तटीय क्षेत्रों में कार्य करते हैं मछलियों के व्यापार के अलावा, सो उनको इन योजनाओं के तहत प्रमाण पत्र, ठीक है, और स्वीकृति वितरित करी जाएगी। ये योजना का भी नाम याद रखना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसको शॉर्ट में PMMSY ये भी आ सकता है, ठीक है, जस्ट वेट, क्लियर, PMMSY, मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर डेवलपमेंट फंड, किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं और जो स्वीकृतियां हैं वो वितरित करी जाएंगी। नेक्स्ट है समक्का और सरक्का का महत्व क्या है। अगर आप मुझसे पूछें कि
इस क्वेश्चंस का, ये टॉपिक का इम्पोर्टेंट, तो मैं मानूंगा कि 2023 के जो अभी संभावित एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आउट हो गया है यूपी आर ओ आर ओ का, हो सकता है कि वहां पर ये क्वेश्चंस का संभावना बने। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना आदिवासी विश्वविद्यालय का जो नाम है वो तेलंगाना के आदिवासी समुदाय के बीच जो प्रतिष्ठित नाम है माँ बेटी का, ठीक है, जो माँ बेटी के जोड़ी के नाम से समक्का और सरक्का का महत्व है, उनके नाम पर रखा जाने का प्रावधान बनाया है। तो इसको आप याद रखना कि इसका भूमिगत जुड़ाव कहाँ से है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना आदिवासी विश्वविद्यालय, ठीक है, तेलंगाना आदिवासी विश्वविद्यालय का जो नाम है वह एक हमारे इतिहास में एक माँ बेटी की जोड़ी थी, समक्का और सरक्का, ओके, इनके नाम पर रखा जाने का प्रावधान बनाया है। इनका क्या इतिहास है इसके बारे में भी जान लेते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चंस ना ही सरक्का और सरक्का से आए, ना ही तेलंगाना में जो बात कहा गया है कि विश्वविद्यालय का नाम बदल करके इनके नाम पे रखा जाएगा, हो सकता है यहाँ से मैटर ना पूछ करके इनके ही इतिहास से पूछ लें कि जो समक्का और सरक्का हैं इनका किसके समय से जुड़ाव है, आखिर इनकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, तो देखिए, कोया आदिवासी समुदाय पर कर लगाने वाले स्थानीय शासक के खिलाफ 13वीं सदी की लड़ाई में इनकी भूमिका के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। ये आप याद रखना, कोया आदिवासी समुदाय पर जब कर लगाया गया था, अब कर किसके द्वारा लगाया जाएगा, जो वहां के लोकल साम्राज्य होगा, राजा होगा, जमींदार होगा, ठीक है, तो 13वीं सदी याद रखना, इनका इतिहास 13वीं सदी से है, कर लगाया गया था, तो इन माँ और बेटी ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया था, लड़ाई किया था, जिसके लिए इनकी जोड़ी को सम्मान दिया जाता है, माना जाता है। द्विवार्षिक समक्का सरलमा जो यात्रा उत्सव है उसके संघर्ष के याद दिलाता है। विश्व स्तर पर सबसे बड़े हिंदू त्योहार के रूप में अब इसको जाना जा रहा है। लगभग 2000 लोग मुख्य रूप से भाग लिए थे और इनके श्रद्धालुओं की बात करें तो करोड़ों में इनके श्रद्धालु वहां पर इकट्ठा हुए थे, और इसकी जो तुलना है आज के समय में कुंभ से किया जा रहा है। ओके, तो आप समझ गए कि समक्का और सरक्का का जो इतिहास है वो 13वीं सदी से जुड़ा हुआ है। कोया समुदाय, जो कोया आदिवासी समुदाय है, उन पे कर का आरोपण किया गया था, जिसके खिलाफ में इन्होंने आवाज उठाया था। ये माँ और बेटी हैं, इनकी जोड़ी को समक्का और सरक्का के नाम से जाना जाता है। ओके, सो तेलंगाना आदिवासी विश्वविद्यालय का नाम भी अभी ही के नाम पर रखे जाने का पहल किया गया है। अब आप कहेंगे कि इनके नाम पर क्या, ऑलरेडी पहले से आदिवासी विश्वविद्यालय नाम था तो फिर इनके नाम पर क्यों रखा जा रहा है। देखिए, जो आदिवासी संस्कृति है ना, उनको महत्व देगा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो आदिवासी संस्कृति है उनको महत्व देगा। भाई, जितने लोग इस नाम को देखेंगे, इनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे, इनके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और जो लोग इस समुदाय से संबंधित होंगे वो भी थोड़ा सा गर्वान्वित होंगे कि हमारे इतिहास में ऐसे भी लोग रहे हैं कि उनकी जो पृष्ठभूमि है इतनी दावेदार वाली रही है, इतनी तगड़ी रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि मेंस के हिसाब से, तो ये आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी कड़ी काम करेगा, वुमेन एम्पावरमेंट, अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें, ओके, महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज के समय में सरकार बिल्कुल महिला सशक्तिकरण को भी देख रही है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके 4 से 5 एग्जाम्पल हो जाएंगे अगर इस टॉपिक पे या महिला सशक्तिकरण पे अगर आ जाता है एसे का टॉपिक या आंसर राइटिंग में, या जो सोशियोलॉजी का टॉपिक है, सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक है जीएस फर्स्ट में, तो वहाँ पे भी टॉपिक काफ़ी मजबूत करेगा महिला सशक्तिकरण को जोड़ते हुए अगर हम बात करेंगे। अभी देखिए, नारी शक्ति बंधन जो बिल पास हुआ है 33% आरक्षण वाला, ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं में, वो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये समक्का और सरक्का का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे आंसर राइटिंग को, हमारे एसे राइटिंग को वेटेज दे सकता है। ठीक है, तो हमने इनसे जुड़ा सब कुछ जान लिया।
अब इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी फॉर्मेट में आप नोट्स को अपने बनाइए, ये मेरा अपना नोट्स है ओके। तो मैंने अपने नोट्स को बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया और आपसे बात करने की कोशिश किया, आप भी इसमें अपने हिसाब से अपने अपने तौर तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है ओके। सो ये जो पहल है वह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय भाषा के रूप में 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भाषा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देखिए उद्देश्य क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अनुरूप जो करेंट इकोसिस्टम एजुकेशन इकोसिस्टम, अब यहाँ पे ना एक टर्मिनोलॉजी हिंदी का था जिसको कि मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, वहां पर था कि जो वर्तमान शिक्षा पारिस्थितिकी है ओके। तो थोड़ा सा समझने में भी हो सकता था कि अब अगर हम इन्वायरमेंट के पेपर से हट जाएं, इन्वायरमेंट के टॉपिक से हट जाएं, तो पारिस्थितिकी को हर जगह हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब यहाँ तो मे भी रिलेट कर पाते कि यहाँ पर पारिस्थितिकी का मतलब क्या है, अगर इन्वायरमेंट में ही टॉपिक होता बिल्कुल हम रिलेट कर जाते, ठीक है। तो यहाँ पर करेंट एजुकेशन इकोसिस्टम, आप समझो कि जो आज का वर्तमान का जो शिक्षा का परिदृश्य है, वातावरण है, एटमॉस्फियर है, ठीक है, को लाना है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी उसका क्या मतलब था कि हम जो आज का जो शिक्षा है उसको आसान भाषा, उसका सरलीकरण करें और एक दूसरे तक मैक्सिमम उसका पहुंच हो सके और कठिन से कठिन जो टॉपिक है, सेगमेंट है, उसको सरल बनाया जा सके एक निजी भाषा के तौर पर, ठीक है। तो 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुरूप करेंट जो करेंट एजुकेशन इकोसिस्टम है को लाना है और तकनीकी रूप से उज्ज्वल भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना है। तो बस इतना ही टॉपिक है, याद रखना कि यह जो पहल है प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन व शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह पहल किया गया है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसको नामित किया गया है। तो जैसा कि आप चित्र में आप देख रहे हैं, ठीक है, इनका नाम है कैप्टन बाना सिंह ओके, कैप्टन बाना सिंह ओके, इनका नाम आप याद रखना। देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता परमवीर चक्र प्राप्त करता है ये ओके, कैप्टन बाना सिंह जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में इनको नामित किया गया है। स्वच्छता ही सेवा 2023 का जो अभियान है उसका विषय है कचरा मुक्त भारत। अब इसको थोड़ा सा आप रिलेट करना कि जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया है, ठीक है, देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता परमवीर चक्र जो प्राप्त करता है कैप्टन बाना सिंह को नियुक्त किया गया है ओके। अब यहाँ पे जुड़ाव था स्वच्छता का, तो स्वच्छता ही सेवा जो 2023 है उसका विषय भी आप याद रखना कचरा मुक्त भारत। हो सकता है क्वेश्चंस यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है, बाकी ये संभावना यही बनता है कि जो वार अगेंस्ट वेस्ट है कि राजदूत के रूप में जम्मू कश्मीर में किसको नियुक्त किया गया है, तो आपसे डायरेक्ट यहां से मैटर पूछे किसको, तो कैप्टन बाना सिंह ओके। अब जम्मू कश्मीर का नाम आया है तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है भारत में कब मिला था, ठीक है, तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत में, ठीक है, विलय पत्र के द्वारा राजा हरि सिंह की अध्यक्षता में भारत में जम्मू कश्मीर मिला था ओके, विलय पत्र के द्वारा ओके। अब 370 था, ठीक है, कि उसके कुछ प्रावधानों को खत्म किया गया जो कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल फ्लैग, स्पेशल उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे रहा था उसको खत्म किया गया, वो डेट भी आप याद रखना इसी से जुड़ा हुआ 5 अगस्त 2019 जो डेट है जम्मू कश्मीर को जो 370 एक स्पेशल सिक्योरिटी दे रही थी कि स्पेशल उनको पहचान दिया हुआ था उनको खत्म करके जैसे भारत के
एक नॉर्मल राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं उसके लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। ये डेट याद रखना 5 अगस्त 2019, और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के 2 UT बन गए हैं। ओके, तो कैप्टन बाना सिंह का नाम याद रखना है, बाकी ये 26 अक्टूबर 1947 याद रखना इस डेट को, राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र के द्वारा भारत का अभिन्न अंग बना था जम्मू कश्मीर। बाकी ये टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपको याद रखना है। लास्ट टॉपिक है बाघ नख को अस्थायी रूप से महाराष्ट्र लाया जाएगा। एक्चुअली रीढ़ के तौर पर 3 सालों के लिए यह पहल महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, MU के द्वारा 3 साल के लिए रीढ़ के तौर पर बाघ नख को भारत के महाराष्ट्र में लाया जाएगा। ठीक है, एक ऐतिहासिक हथियार है, संबंध इसका महाराष्ट्र से। देखिए बाघ नख तो बहुत राजाओं ने, बहुत लोगों ने, जमींदारों ने, बहुत लोगों से यह हथियार जुड़ा हुआ है। स्पेशली इसकी जो पहचान है भारत में वो छत्रपति शिवाजी से मानी जाती है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने बहुत महत्वपूर्ण सेनापति को इससे बाघ नख से हत्या किया था। सो छत्रपति शिवाजी द्वारा बाघ नख से अफजल खान, ये नाम याद रखना, अफजल खान की हत्या की थी। अब अफजल खान कौन है? सो बीजापुर के आदिल शाही द्वारा सेनापति के रूप में भेजा गया था अफजल खान को, और शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए। ठीक है, वहां पर शिवाजी के द्वारा इसकी हत्या की गई बाघ नख के द्वारा। ठीक है, कहां से लाया जाएगा? तो याद रखना लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से MU किया गया है। MU के द्वारा हस्ताक्षर के द्वारा 3 साल के लिए ऋण पर लाया जाएगा महाराष्ट्र में। ओके, बाघ नख को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी जेम्स ग्रांट उप, ठीक है, सॉरी डफ है, जेम्स ग्रांट डफ, जो कि 1789 से 1858 द्वारा ब्रिटेन ले गए थे इस बाघ नख को, तो जो महाराष्ट्र सरकार है वह MU के द्वारा ऋण पर 3 साल के लिए इस बाघ नख को भारत लाने का पहल करने जा रहा है। सो एवरीबॉडी, आज का टोटल 5 टॉपिक था जिसपे कि हमने बिल्कुल डीप एनालिसिस किया। अगर ये नोट्स आपको बेहतर लगते हैं तो प्लीज़ आप इसके छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए।